Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about the chapter periodic classification of elements. So in this chapter we are going to study that why there is a need of classification of elements. Kya zarurat kya thi elements ko classify karne ki? Sabse badi baat, elements ko classify karne se bhi pehle aap ye zara sochiye ki agar hum logo ko classify nahi kiya hota to hum logo ko koi insects ki category mein count kar leta, koi hame birds ki category mein count kar leta, ya jaise bhi unko features hamare andar lagte us category mein hame add kar diya jata. But अब वैसे ही एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स आप सबको पता है, कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं. सो सिमिलरली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी था ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ सकें और जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक जगह पे स्टैक कर दें और जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हैं यानी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनकी तो उनको एक अलग कैटेगरी में स्टैक करते. वैसे ही बहुत सारे रशियन केमिस्ट आए, फिजिस्ट आए, जर्मन के कुछ लोग आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ थ्योरीज दे डाली. अब इसलिए थ्योरीज दे डाली क्योंकि वो भी चाहते थे कि इतने सारे एलिमेंट्स जो कि उस टाइम पे पाए जाते थे उनको एक जगह पे क्लासिफाई कर दिया जाए सो दैट इट विल बी इजी फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स और फ्यूचर पीपल, उन लोगों के लिए इजी हो जाए ताकि वो उनको पढ़ सके, उन एलिमेंट्स को पढ़ सके. तो सबसे पहले आए डॉबनर, राइट. द फुल नेम ऑफ दिस डॉबनर इज जॉन वॉल्फगैंग डॉबनर, राइट. सो उसने बेसिकली उसकी थ्योरी किस पे थी, उसकी बेसिकली थ्योरी ट्रायड्स पे थी. अब ये ट्रायड्स क्या होते हैं? ट्रायड्स मतलब थ्री, राइट. ट्रायड्स मतलब थ्री एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, स्टैक कर दिया था एक ग्रुप में. आप मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, लिथियम सोडियम पोटाशियम, राइट, ये तीन एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट को एक ग्रुप बना दिया, का एक ग्रुप बना दिया. सिमिलरली कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, इनका एक ग्रुप बना दिया. तो उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के एक एक ग्रुप बना दिया और वो जो ये तीनों का ग्रुप होगा ना, वो ये तीनों का जो ग्रुप कहलाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रायड. सो उनकी थ्योरी किस पे थी, ट्रायड पे थी. और उन्होंने क्या कहा था, डॉबनर ने कहा था जो ये तीन एलिमेंट्स होंगे ना इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम. इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, राइट. अब इन ग्रुप्स को क्या बोल दिया गया है, ट्रायड्स. मैंने आपको बता दिया ये ग्रुप्स क्या होते हैं, ट्रायड्स होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी. नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला था वो ये बोला था कि जो ये तीन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों के ट्रायड्स है, ठीक है, ये एक ट्रायड है, ये दूसरा ट्रायड है, ये तीसरा ट्रायड है. तो उन्होंने ये बोला कि जो तीन एलिमेंट्स है उनका जो एटॉमिक मास होगा ना, जो ये मिडिल वाले का एटॉमिक मास रहेगा, जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास रहेगा वो फर्स्ट टू के एटॉमिक मास का एवरेज होगा. व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट टू के या किसी भी दो के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के पास होगा, राइट. सिमिलरली ओवर हियर आल्सो कैल्शियम और बेरियम जो है इन दोनों का जो एटॉमिक मास होगा, जो ये मिडिल वाला है स्ट्रॉन्शियम, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज स्ट्रॉन्शियम का होगा, राइट. सिमिलरली ओवर हियर क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो आपके ब्रोमीन के पास होगा, ठीक है. सो दिस इज गिवन बाय द डॉबनर. नाउ अब आप सबको पता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया. और किस लिए क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये जो डॉबनर ने ट्राइड्स दिए, जो ग्रुपिंग करी, ये ग्रुपिंग कुछ ही एलिमेंट्स पे सूट कर रही थी, बाकी सारे एलिमेंट्स पे नहीं काम कर रही थी. और उसने ये नहीं बताया कि ये एलिमेंट्स के जो उसने ट्राइड्स बनाए हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो उसने डाली हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो कुछ ट्राइड्स में डिफरेंट भी थी और काफ़ी हद तक वो बहुत सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बना पाया. इस वजह से ये डोमिनेंट ट्रायड ज्यादा टाइम तक नहीं चला. उसके बाद आए न्यूलैंड. तो न्यूलैंड का लॉ बहुत फेमस है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. एज अ नेम सजेस्ट, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इट मींस उन्होंने
आठ आठ एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी। डॉबरनेर ने ग्रुपिंग की थी तीन तीन एलिमेंट्स की, उन्होंने एट एट एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। इन्हें कुछ म्यूजिकल नोट्स के नाम से भी जाना जाता है कि ऐसा लॉ जो कि म्यूजिकल नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि धुन के अंदर सारे गामा पाधा नीसा, दीज आर एट वन, राइट। तो उन्होंने बेसिकली क्या, इसकी थ्योरी क्या थी, अगेन एलिमेंट्स के ऊपर ही थी। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। इस टाइम पे कुछ 56 एलिमेंट्स पाए जाते थे। जब न्यूलैंड ने काम किया तो 56 एलिमेंट्स पाए जाते थे। और इन्होंने भी काम किया कि जो एटॉमिक मासेस होते हैं ना, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर इन्होंने दिया ये थ्योरी। और इन्होंने बोला कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मासेस, यानी पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, इस तरीके से मास इंक्रीज करता रहेगा। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि उस टाइम पर हाइड्रोजन से थोरियम तक के एलिमेंट थे, तो 56 एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर किए गए थे, तो उनके टेबल में हाइड्रोजन से थोरियम तक के एलिमेंट्स पाए गए। द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, उन्होंने बोला कि जो एक 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 ग्रुप में उन्होंने कितने एलिमेंट्स डाले, एट एलिमेंट्स डाले, राइट। जैसे हाइड्रोजन से लेकर ऑक्सीजन तक एट एलिमेंट्स हो गए, फ्लोरीन से लेकर सल्फर तक एट एलिमेंट्स हो गए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, दैट विल बी सिमिलर टू द एट्थ वन, ये उन्होंने बोला। इट मीन्स हाइड्रोजन प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू द एट वन, दैट इज ऑक्सीजन। सिमिलरली फ्लोरीन प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू द सल्फर। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एट वाले एलिमेंट से मिलेगी। जैसे अगर हम सरगम की बात करें, सरगम में पहला जो धुन होता है वो स होता है और एट वाला भी स होता है। तो इसी तरीके से उसने थोड़ा म्यूजिकल नोट्स के साथ इसे कंपेयर किया, ठीक है। बट अब अगेन वही बात है, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया, जब उन्होंने ग्रुपिंग की ना, जब उन्होंने आठ आठ के ये जो ग्रुप्स बनाए, ऑक्टेव्स बनाए, तो उस टाइम पर एक ग्रुप में एट एलिमेंट्स होने चाहिए, बट एट एलिमेंट्स भी नहीं, इन्होंने किसी किसी ग्रुप में नाइन एलिमेंट्स भी फिक्स कर दिए थे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, कॉपर एंड निकल एक ग्रुप में ही ऐड कर दिया, यानी एक जो पूरा एट एलिमेंट्स का होना चाहिए वो नाइन एलिमेंट्स का हो गया, राइट। तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी वो कुछ हद तक फेल हो गई थी। एंड सेकेंडली वो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि 56 एलिमेंट्स के बाद आगे जनरेशन में कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। तो वो चीज़ आप आज भी जानते हैं कि देर आर 118 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि 56 एलिमेंट्स हैं, इसके बाद और कोई डिस्कवर ही नहीं होगा, तो ये इनका एक मेजर लिमिटेशन में आता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि दो एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में डाल दिए गए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका ये जो लॉ था ना, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वर्क करता था, यानी 20th एलिमेंट विच इज कैल्शियम, यहाँ तक ही वर्क करता था। इसके आगे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे। सो दिस वर सम लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप आपको डोमिनेंट ट्रायड्स एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी समझ में आई होगी। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एवरीवन।